दोस्तों काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि HDFC बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट है ही नहीं। अगर आप HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10,000 रुपया मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। हो सकता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग आकर के बताएंगे कि भाई साहब HDFC बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि HDFC बैंक के अंदर एक नहीं बल्कि 2-3 तरह के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। तो इस वीडियो के अंदर आपको हम प्रूफ तो दिखाएंगे ही कि HDFC बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट बिल्कुल है। साथ में आपको हम ये भी बताएंगे कि HDFC बैंक के अंदर आप किस तरह से जीरो बैलेंस के साथ सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में अगर आप HDFC बैंक ही नहीं बल्कि आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट ओपन करने से पहले ये जरूर समझना है कि आपको अपने अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि आप किस तरह से HDFC बैंक के अंदर जीरो बैलेंस के साथ ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपको भी एक ऐसा बैंक की तलाश है जिस बैंक के अंदर ऑनलाइन ही आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर पाए उसमें भी जीरो बैलेंस के साथ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप HDFC बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर का एक टॉप क्लास बैंक है HDFC बैंक। तो वीडियो आज का एक काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों HDFC बैंक के अंदर आप किस तरह से अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे ये तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे ही। उससे पहले हम ये समझते हैं कि आप जो यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अपने अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फैसिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि HDFC बैंक के अंदर सिर्फ एक सेविंग अकाउंट नहीं है, कई तरह के सेविंग अकाउंट है। कुछ सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको अकाउंट ओपन करते समय कुछ फंड डिपोजिट करने होते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होता है। साथ में कुछ सेविंग अकाउंट ऐसे भी है जिसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है, बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है। तो कई तरह के सेविंग अकाउंट है HDFC बैंक के अंदर, तो सभी सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको अलग अलग तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे इंपोर्टेंट फैसिलिटी है जो आपको हर सेविंग अकाउंट के अंदर देखने को मिलती है। तो जो भी इंपोर्टेंट फीचर्स हैं, जो भी इंपोर्टेंट फैसिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सभी अकाउंट यहाँ पर ऑनलाइन ही ओपन हो जाते हैं, कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ब्रांच नहीं जाने पड़ेंगे, तुरंत आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कस्टमर आईडी, जिसके बाद आप अपने अकाउंट का यूज इंस्टेंट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड दी जाती है तो HDFC बैंक का डेबिट कार्ड से आप HDFC बैंक के ATM मशीन से तो कैश विड्रॉ कर ही सकते हैं। साथ में आप इंडिया के किसी भी बैंक के ATM मशीन पर जाते हैं तो इंडिया के किसी भी बैंक के ATM मशीन से आप HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, सभी सेविंग अकाउंट की तरफ से आपको मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, SMS बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग और ईमेल स्टेटमेंट की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर जो आपको मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है तो आप इस बैंक का नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को यूज कर ही सकते। साथ में यहाँ पर आपको UPI की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो आप कोई भी UPI ऐप यूज करना चाहें जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आप कोई भी UPI ऐप इंस्टेंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया। तो अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की तलाश है तो यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस के साथ ओपन होता है, आपको कोई भी बैलेंस अपने अकाउंट के अंदर मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा HDFC बैंक की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा दी जाती है। अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी क्रेडिट कार्ड की नीड हो तो आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो भी आप अलग से भी इस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी भी तरह का लोन का रिक्वायर्ड हो, जैसे कि एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, तो आप काफी इजी स्टेप फॉलो करके काफी कम इंटरेस्ट रेट के साथ आप HDFC बैंक से किसी भी तरह का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया और कुछ फीचर्स के बारे में आपको आगे भी पता चल जाएगा जब हम अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आप किस तरह से HDFC बैंक के अंदर ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों HDFC बैंक के अंदर ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको HDFC बैंक के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको कई तरह के सेविंग्स अकाउंट देखने को मिलेंगे जो भी सेविंग अकाउंट HDFC बैंक के अंदर ओपन की जाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक रेगुलर सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे जो कि HDFC बैंक का है, और इस रेगुलर सेविंग अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं।
इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको सेविंग मैक्स अकाउंट देखने को मिलेंगे। सेविंग मैक्स अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको वुमेन सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे। जो भी महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर एक स्पेशल सेविंग अकाउंट है, तो अगर आप वुमेन हैं तो आप यहाँ पर वुमेन सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इस सेविंग अकाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा और हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको डीजी सेफ सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे। ये यूथ के लिए स्पेशल है, अगर आपका एज 18 से 21 के बीच में या फिर 18 ईयर से लेकर के 25 के बीच में, तो आपके लिए डीजी सेफ यूथ सेविंग अकाउंट काफी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये सेविंग अकाउंट काफी बेस्ट ऑप्शन है, आप ये सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन सेविंग अकाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा और हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सीनियर सिटीजन अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे। जिनका एज 40 से ज़्यादा है या फिर 30 से भी ज़्यादा है वो भी ये सेविंग अकाउंट इजिली ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं तो आप ये सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा और हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3-in-1 सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो अकाउंट है ना 3-in-1 ये उनके लिए काफी बेस्ट है जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में FD वगैरह में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये काफी बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट में जो है सो इंटरेस्टेड हैं तो आप ये 3-in-1 सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपका सेविंग अकाउंट भी ओपन होता है, करंट अकाउंट भी ओपन होता है, साथ में आपका एक डीमेट अकाउंट भी ओपन होता है। तो आप अगर चाहें तो डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको सेविंग फार्मर अकाउंट देखने को मिलेंगे। जो भी किसान भाई हैं फार्मर के लिए यहाँ पर भी स्पेशल सेविंग अकाउंट है HDFC बैंक के अंदर। तो अगर आप किसान हैं तो आप HDFC बैंक का ये फार्मर सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ में हम और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको स्पेशल गोल्ड वुमेन सेविंग अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे। जो भी वुमेन है उनके लिए एक और यहाँ पर स्पेशल गोल्ड सेविंग अकाउंट है। तो अगर आप वुमेन हैं वुमेन ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। और हम यहां पर नीचे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपको स्पेशल गोल्ड प्लेटिनम सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे। ये अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ में हम और नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको एक और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे। स्पेशल सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है ये, तो अगर आप सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं तो आप ये अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम और नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपको स्पेशल एक्टिव अकाउंट देखने को मिलेंगे। ये अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम और नीचे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको किड्स सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे। जो भी माइनर है जो भी चाइल्ड है उनके लिए भी यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है। तो अगर आप माइनर हैं तो आप स्पेशल यहाँ पर सुपर किड्स सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर को अपने अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम और नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर देखेंगे किड्स एडवांटेज सेविंग अकाउंट है। ये भी बच्चे के लिए, जो भी माइनर है वो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप माइनर हैं आपका एज 18 से कम है तो आप किड्स एडवांटेज सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट देखने को मिलेंगे। ये अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, हर कोई ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में कौन कौन सी सुविधा दी जाएगी वो आप यहाँ से नीचे में आप देखेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें बताया गया है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम और नीचे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको एक और BDS सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो HDFC बैंक में कई तरह के सेविंग्स अकाउंट हैं। अब आपको यहां से ये सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। जितने भी सेविंग्स अकाउंट हैं सभी सेविंग्स अकाउंट के नीचे में आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा ओपन इंस्टेंटली का, जहां से आप ओपन कर सकते हैं इस अकाउंट को। जैसे कि मान लीजिए आपको फार्मर अकाउंट ओपन करना है तो आप यहां पर ओपन इंस्टेंटली वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि इस अकाउंट के अंदर कौन कौन सी सुविधा आपको दी जाएगी
तो नीचे में देखेंगे आपको नाउ मोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस अकाउंट की फैसिलिटी के बारे में जान सकते हैं, फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पर बताया गया और कुछ चीज़ें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया था, लेकिन अगर आपको फिर भी डिटेल में जानना है कि आपको इस अकाउंट में कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप यहाँ पर नाउ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जान सकते हैं। इसी तरह से जितने भी सेविंग्स अकाउंट है, मान लीजिए यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है या फिर डीजी सेव यूथ सेविंग अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है, तो इसके नीचे में भी आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा ओपन इंस्टेंटली का, यहाँ पर क्लिक करके आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। साथ में नीचे में देखेंगे आपको नाउ मोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि इस डीजी सेव यूथ अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर भी बताया गया और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया था, लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में जानना है कि डीजी यूथ सेविंग अकाउंट के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप यहाँ पर नाउ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जान सकते हैं। तो आपको जिस भी सेविंग अकाउंट के फैसिलिटी के बारे में जानना है, सभी अकाउंट के नीचे में देखेंगे आपको नाउ मोर का ऑप्शन है, नाउ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस अकाउंट के फैसिलिटी फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है, और आपको ये देख लेना है उस सेविंग अकाउंट में कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब हम ये जानते हैं कौन कौन सा एचडीएफसी बैंक के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, क्योंकि भाई साहब आज के डेट में हर कोई जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही ओपन करना चाहता है, और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट ही ओपन कर लीजिए, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको काफी सारे फैसिलिटी मिलते हैं, आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। तो चलिए हम ये जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक के अंदर कौन कौन सा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। जीरो बैलेंस अकाउंट की अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ आएंगे। अब नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको स्पेशल एक्टिव अकाउंट देखने को मिलेगा। अब ये जो स्पेशल एक्टिव अकाउंट है ना, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो भाई साहब आप यहाँ पर मैं देखिए, ये जो स्पेशल एक्टिव अकाउंट है ना, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, ये आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक ने मेंशन कर रखा है। अगर आप ये सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। तो ये हो गया पहला सेविंग अकाउंट, एक्टिव सेविंग अकाउंट। चलिए अब दूसरा सेविंग अकाउंट के बारे में जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक के अंदर दूसरा कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। अब नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आप बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट देखने को मिलेगा। अब ये जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है ना, ये भी बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक ने मेंशन कर रखा है। तो आपको ये नहीं बताना है कि भाई साहब एचडीएफसी बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट है ही नहीं, बिल्कुल है। मैंने अभी तक दो सेविंग अकाउंट आपको दिखा दिया कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, ये भी सेविंग अकाउंट जो है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। चलिए अब तीसरा कौन सा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है एचडीएफसी बैंक के अंदर, वो हम जानते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक और बीएसबीडीए सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा। ये स्मॉल अकाउंट है, तो इसमें भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। प्रूफ देखना है, प्रूफ देखना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली एचडीएफसी बैंक ने मेंशन कर रखा है इस बाय जीरो डिपॉजिट विथ जीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब कि आपको ना ही कोई डिपॉजिट करना है और ना ही आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करना है। ये अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। तो ये तीसरा सेविंग अकाउंट हो गया जो एचडीएफसी बैंक के अंदर जीरो बैलेंस के साथ खुलता है, आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। अब सिर्फ तीन ही जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट नहीं है, और भी सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। चलिए हम चौथा कौन सा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है एचडीएफसी बैंक के अंदर, वो हम जानते हैं। अब जो चौथा जीरो बैलेंस अकाउंट है ना, जब आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में ही एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा। अब ये जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है ना, इसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। हालांकि ये चीज़ें यहाँ पर मैं नहीं बताया गया, बट जब आप ये अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तब आपको बताया जाएगा कि भाई साहब जीरो बैलेंस अकाउंट ही है, ये पेज आपके थ्रू ओपन होता है, इसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना रखा है, तो इसमें भी आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर टोटल मिलाकर के चार जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। सभी सेविंग्स अकाउंट के नीचे में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा ओपन इंस्टेंटली का, जहाँ से आप ये अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। साथ में दूसरा ऑप्शन मिलेगा नाउ मोर का, जहाँ से इस अकाउंट के फीचर्स के बारे में आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अकाउंट को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है, उसके फीचर्स के बारे में आपको जान लेना है। साथ में आपको ये जान लेना है कि अगर आप जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो अकाउंट जीरो बैलेंस है या फिर नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से कोई भी एक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये पहला पेजैप अकाउंट है ना, हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, इसी अकाउंट को हम ओपन करना चाहते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर ओपन इंस्टेंटली का जो ये ऑप्शन है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने ओपन इंस्टेंटली वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, हम अगले पेज पर आ गए। अब यहाँ से अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, साथ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। और मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद नीचे में देखेंगे गेट OTP का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे, आपने वहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दी होगी उस मोबाइल नंबर पर HDFC बैंक की तरफ से एक OTP कोड सेंड की जाएगी। जो भी OTP कोड आएगा इस बॉक्स में यहाँ पर अपना OTP कोड एंटर कर देंगे और इसके बाद नीचे में देखेंगे सबमिट OTP का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से सबमिट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे, अगले पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप यहाँ पर KYC करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं KYC करने के लिए यहाँ पर यूज आधार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं, आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना चाहते हैं तो यहाँ पर यूज अदर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। साथ में यहाँ पर देखेंगे आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको इसी अकाउंट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट का जो सब्सिडी आता है वो आपको इसी अकाउंट के अंदर चाहिए, तो अगर आपको गवर्नमेंट का कोई भी सब्सिडी इसी अकाउंट के अंदर चाहिए तो आप इसे यहाँ पर ऑन कर देंगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे में यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे, अगले पेज पर आने के बाद यहाँ पर आधार का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप यहाँ पर टिक लगाकर एक्सेप्ट कर लेंगे कि दोनों ही बॉक्स में, और नीचे में देखेंगे आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप आधार नंबर देना चाहते हैं या आप वर्चुअल आईडी नंबर देना चाहते हैं। अगर आप आधार नंबर देना चाहते हैं तो आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे। अगर आप वर्चुअल आईडी नंबर देना चाहते हैं तो वर्चुअल आईडी नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और वर्चुअल आईडी नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वर्चुअल आईडी नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए OTP कोड सेंड की जाएगी। जो भी OTP कोड आएगा यहाँ पर नीचे में अपना OTP कोड एंटर कर देंगे और नीचे में यहाँ पर देखेंगे वेरीफाई KYC का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से वेरीफाई KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड से कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले ली जाती है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो भी आपका एड्रेस होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर नीचे में आप देखेंगे आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस है कि आपको उसी एड्रेस पर आपको अपना वेलकम किट चाहिए। अगर आपको आधार वाली एड्रेस पर ही अपना वेलकम किट मंगवानी है, डेबिट कार्ड पासबुक चेकबुक मंगवानी है, तो आप इसको यहाँ पर मैं यस कर देंगे। अगर आपको आधार कार्ड वाले एड्रेस पर अपना वेलकम किट नहीं चाहिए, आप कहीं और रहते हैं, तो आपको यहाँ पर इसको नो कर देना है और आपको जिस भी एड्रेस पर अपना वेलकम किट मंगवानी है आप अपना एड्रेस को फिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, टिक लगा के एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट होगा, जो भी आपके सिटी का नेम होगा यहाँ से अपना सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके अलावा HDFC बैंक के कौन से ब्रांच में आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, आप अपना ब्रांच के नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आप देखेंगे आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, नेक्स्ट पेज पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ से आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। साथ में आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आप कोई सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपके कंपनी का नेम क्या है, किस टाइप का कंपनी है, कंपनी टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। साथ में आप उस कंपनी में कौन से पद पर जॉब करते हैं, कौन से पोस्ट पर में आप हैं, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपका ईमेल आईडी क्या है, आप अपना ईमेल आईडी को इस बॉक्स में यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद नीचे में आप देखेंगे आपसे यहाँ पर एनुअल इनकम पूछा जाता है कि आप साल में कितने कमाते हैं, तो जो भी आपका एनुअल इनकम होगा वे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है, वे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आपके पैन कार्ड के नंबर होंगे आप अपना पैन कार्ड के नंबर को इस बॉक्स में यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, अगर मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर देखेंगे उसी के नीचे में आपको पैन नॉट अवेलेबल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे यहाँ पर टिक मार कर देना है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो। लेकिन हाँ, आप अगर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिए तो आपको वहाँ पर एक रिसीविंग दी जाती है, जिस रिसीविंग में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलते हैं। तो अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है ओरिजिनल वाला, तो अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है
तो आपको यहाँ पर पे नोट अवेलेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको एंटर करना होता है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पर आप पैन कार्ड के नंबर एंटर कर देंगे, पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर पे नोट अवेलेबल को सिलेक्ट करेंगे और एक्नॉलेजमेंट नंबर आप एंटर कर देंगे। साथ में आपके फुल नेम क्या है आपके पैन कार्ड पर या आपके डॉक्यूमेंट पर, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देना चाहते हैं, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, तो उस पर जो भी आपके फुल नेम होंगे आप अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर कर दें। तो यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे में आप देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिया के रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। साथ में यहाँ पर पूछा जाता है कि आप इंडिया के अंदर टैक्स पे करते हैं, जिसको भी आपको यस कर देना है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करने के बाद नीचे में आप देखेंगे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके अलावा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। साथ में आपके फादर्स के नेम क्या है, फादर नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। मदर नेम क्या है, मदर के फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। साथ में नीचे में आपसे पूछा जाता है यहाँ पर में कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है और नीचे में आपको नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन फिल करना है। नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको रिलेशन विद यू, मतलब कि नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, रिलेशन टाइप आपको सिलेक्ट करना है। साथ में नॉमिनी का नेम क्या है, नॉमिनी का नेम आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। साथ में नॉमिनी का एड्रेस वगैरह सारी चीजें आप फिल कर देंगे। नीचे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, तीनों ही बॉक्स में आपको टिक मार्क कर देना है। और नीचे में आप देखेंगे आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइनली आप देखेंगे HDFC बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है और यहाँ पर आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो भी अकाउंट नंबर होता है अकाउंट नंबर यहाँ पर, जो भी आपका कस्टमर आईडी होता है कस्टमर आईडी यहाँ पर, और जो भी आपके IFSC कोड होता है IFSC कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए, तो आप अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अभी तक जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है तो आपका कंप्लीट KYC नहीं हुआ है, विदाउट कंप्लीट KYC ही आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। आप चाहें तो विदाउट KYC के भी अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक साल तक, एक साल के अंदर में आपको कभी न कभी KYC कंप्लीट करना होगा। अगर आपके पास फिजिकल पैन कार्ड, फिजिकल आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप उस केस में विदाउट KYC अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि KYC कंप्लीट करने के लिए आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से यहाँ से KYC कंप्लीट करना होता है यहाँ पर। तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको फिजिकल पैन कार्ड दिखाने होते हैं। तो अगर आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है फिजिकल पैन कार्ड, तो उस केस में आप विदाउट KYC अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और टेम्पोरी बेसिस पर आप एक साल तक अपने अकाउंट का यूज कीजिए। जब आपके पास फिजिकल पैन कार्ड आ जाएगा तो आप बाद में कभी भी KYC कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या फिर आप ब्रांच में विजिट करके। तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। अगर आप KYC कंप्लीट करना चाहते हैं तो नीचे में आप देखेंगे आपको स्टार्ट वीडियो KYC का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर स्टार्ट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से HDFC बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक ब्लैंक पेपर पर, सादा पेपर पर आपको सिग्नेचर करके दिखाने होते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। साथ में आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड दिखाने होते हैं और फिर इजिली आपका जो वीडियो KYC वो आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद आपके अकाउंट के अंदर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, आप कम्प्लीटली अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। और अभी तक आपने देखा मुझे कहीं भी कोई भी फंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ा। साथ में ये जो अकाउंट था ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे ही KYC कंप्लीट हो जाते हैं जो भी आपका वेलकम किट होते हैं, जिसमें आपको अपना डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह देखने को मिल जाते हैं, आपने यहाँ पर जो भी एड्रेस सेलेक्ट किया होता है, चाहे आधार एड्रेस या फिर आपने कोई दूसरा एड्रेस यहाँ पर फिल की होगी, तो उस एड्रेस पर आपका वेलकम किट सेंड कर दी जाती है 7 डेज के अंदर में, हो सकता है 15 डेज भी लग सकते हैं। तो आपका अकाउंट पहले ही ओपन हो चुका है, आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल चुका है, साथ में जो भी आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको ईमेल भी कर दी जाती है, साथ में आपको टेक्स्ट SMS भी करके बता दी जाती है आपको यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दी होती है कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, आप अपने अकाउंट का यूज कीजिए। साथ में जो भी आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको टेक्स्ट SMS कर दी जाती है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए आपसे